सरकारी जमीनों को फर्जी तरीके से खरीद बिक्री करने के मामले में छत्तीसगढ़ का महासमुंद जिला पहले पायदान पर है। महासमुंद जिले में भू माफिया सरकारी जमीनों को हथियाने और उसे फर्जी तरीके से बेचने की फिराक में गिद्ध की नजर रखते हैं। एक बार फिर कुछ ऐसा ही मामला सामने आया। जैसा पुलिस जांच में आवश्यक होता है, और जहां तक तहसीलदार की बात है तो तहसीलदार के लिए उसमें क्या भूमिका रही है या नहीं रही है, इसके संदर्भ में पृथक से विभागीय जांच जो है उनके विरुद्ध जो है कमिश्नर महोदय के यहां संस्थित चल रही है, और वो उसका परिणाम आने पर ही पता चलेगा। कि अभी हमारे पास क्योंकि मामला अभी 3 दिन पहले पंजीबद्ध हुआ और हमने इसे विवेचना में लिया है, विवेचना में जिन जिन केस में लापरवाही त्रुटि हमारे सामने आएगी, ऐसा पाया जाएगा कि उनके द्वार की संलिप्तता के कारण यह अपराध हो पाया है, तो सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये 420 की जो धारा है प्रशासनिक अधिकारियों पे लगना चाहिए, और प्रशासनिक अधिकारी मुख्य रूप से इसमें दोषी हैं। तत्कालीन तहसीलदार की भूमिका की जांच होनी चाहिए। यदि यहाँ का जिला प्रशासन उनकी जांच नहीं करता है तो हम मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री को जो है इसका ज्ञापन देंगे।